दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो एसयूवीज गाड़ी को ओन करते हैं या फिर जो ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं। बाकी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट ऑटोमोटिव कंटेंट या फिर गाड़ी के ऑफ रोडिंग टायर्स या फिर किसी भी तरीके के कार रिलेटेड कंटेंट पर नहीं है तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। बाकी अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं और अगर आप कोई ऐसी गाड़ी ओन करते हैं बड़े चक्के वाली या एसयूवीज, प्रॉपर एसयूवीज जैसे आप थार ओन करते हैं, स्कॉर्पियो, एन फॉर्चूनर, हाइलक्स, इस टाइप की गाड़ियां, तो आपके लिए यह कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों काफ़ी सारे लोग मेरे चैनल पर, मैंने बहुत सारे टायर रिलेटेड वीडियो डाली हुई हैं, कार रिलेटेड ऑटोमोटिव वीडियो काफ़ी सारी हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस में टायर रिलेटेड मैंने अलग अलग टायरों को अलग अलग टेरेन्स के लिए एक्सप्लेन किया था, तो लोगों का कमेंट आता है सर एचटी टायर और एटी टायर में कौन सा बेटर है और एटी टायर ही हमें अपने गाड़ी में क्यों डालना चाहिए। तो देखो स्पेशली इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अगर आप ऑफ रोडिंग जाते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर एटी टायर ही क्यों होना चाहिए गाड़ी के अंदर। तो देखो एटी टायर पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, अगर प्रॉपर डिटेल में जानना चाहते हो एटी टायर्स क्या होते हैं, क्या उनकी खूबियां होती हैं, क्या उनके नुकसान होते हैं, तो आप आई बटन में लिंक है, वहां जाके वो वीडियो पूरी देख लो। इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में ये कवर करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है ऑफ रोडिंग के लिए। बाकी अगर थोड़ा शॉर्ट में बता दूं तो एटी टायर्स स्पेशली आप नाम से ही समझ सकते हो, ये ऑल टेरेन टायर्स होते हैं जो किसी भी टेरेन्स के लिए परफॉर्म करने के लिए बने रहते हैं। इन शॉर्ट आप ऐसा समझ सकते हो कि ये 50-50 हर तरीके की टेरेन्स के लिए बने होते हैं, आप इन्हें हाईवे पे भी चला सकते हो, ऑल टेरेन कंडीशंस में भी आप इन्हें यूज कर सकते हो, या फिर अगर किसी ऐसे कंडीशंस में जाते हो जहाँ पे रोड है ही नहीं प्रॉपर, आपको मिट्टी में चलाना पड़ता है, जहाँ थोड़ा सा कीचड़ या स्लज टाइप की सिचुएशंस है, वहाँ पे भी ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये तो हो गई 80 टायर्स की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप ऑफ रोडिंग जाते हो तो 80 टायर ही क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखो जब प्रॉपर आप ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी लेके जाते हो ना, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ऑफ रोडिंग्स करने जा रहे हो, पहाड़ पे जा रहे हो या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ प्रॉपर आपको रोड कंडीशंस नहीं मिलेंगे, स्नो वाली जगह पे जा रहे हो या फिर लद्दाख टाइप के ऐसे जगहों पे जहाँ पे पत्थर वाले वाटर क्रॉसिंग्स, इस टाइप की जगहें पड़ेंगी, तो ये बहुत डिपेंड करता है कि वहाँ के कंडीशंस पे किस तरह के रोड कंडीशन, किस तरह की टेरेन्स पे आप चलाओगे गाड़ी। ऐसे में मान लो आप किसी ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पहले नहीं गए हो, जहाँ पे बहुत सारे पथरीले वाटर क्रॉसिंग्स हैं या फिर स्नो वाली जगह पे जा रहे हो, जैसे अरुणाचल का है, बहुत सारे ऐसे टेरेन्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है, वहाँ पे बहुत ऐसे रोड कंडीशंस भी आती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लश होता है, ऐसे कंडीशंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं 80 टायर्स, क्योंकि उनके जो ब्लॉक्स होते हैं, जो उनके ट्रेड्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं जो स्पेशली आपको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं ऐसे रोड कंडीशंस पे। तो ऐसे कंडीशंस में आपके गाड़ी के जो टायर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं सड़क के ऊपर, जिससे आपकी जो ट्रेड्स हैं वो आपके टायर्स उस जगह पे फंसने के बजाय आप इजीली अपनी गाड़ी को निकाल सकते हो ऐसे सिचुएशन से। और वहीं अगर आप कंपैरिजन करोगे इनको दूसरे टायरों से, मान लो आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो, किसी ऐसे टेरेन्स पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लश है, वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग्स है, और आप वहाँ हाईवे टेरेन्स टायर लेके जाते हो, तो आप नॉर्मली अगर कोई भी कार रखते हो जिसमें हाईवे टेरेन्स टायर है, आप यहाँ नॉर्मल रोडों पर देखते हो, हाईवेज पर अगर कहीं आपका टायर अगर मतलब प्रॉपर एक बैलेंस किसी पोजीशन पे टायर ना जाके गाड़ी, कोई एक चक्का आपका मिट्टी में रोड से नीचे फंस जाता है, थोड़ा भी मतलब ज़्यादा नहीं 6-8 इंच भी नीचे गड्ढे में फंस जाता है, जहाँ आपकी गाड़ी का बैलेंस थोड़ा सा इम्प्रॉपर हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, जो एच टी टायर होते हैं वो वहीं पर आपके गाड़ी को नहीं निकाल पाते हैं। और अगर आपके गाड़ी में उस वक्त 80 टायर होते हैं ना, तो वो एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो जो टायर है ना वो बार बार रोटेट होना बंद हो जाता है, और फिर आपकी गाड़ी को जब ग्रिप मिलती है टायरों को, तो इजिली वो गाड़ी बाहर आ जाती है। तो 80 टायर ऐसे सिचुएशंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जब भी अगर आप ऑफ रोडिंग्स के लिए जाते हो तो 80 टायर आपके गाड़ी में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर छोटी मोटी किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रोड कंडीशंस ख़राब नहीं है, फिर तो आपका एसटी से काम चल सकता है, मगर
अगर आप साल में कई सारे ऑफ रोडिंग्स करते हो, बहुत ही ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस में जाते हो जहाँ पे रोड कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, प्रॉपर ऑफ रोडिंग आपको करनी है, गाड़ी आपकी 4x4 है, फिर तो रिकमेंडेड है कि आप गाड़ी में ET टायर्स ही डलवाओ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप इससे बिना परेशानी के अपनी ऑफ रोडिंग्स के ट्रिप भी इजिली कर सकते हो। इसके बाद लास्ट में वीडियो के बात कर लेते हैं, ET टायर्स में फायदे ये हैं तो फिर उसके नुकसान भी तो होंगे कुछ। तो देखो, सबसे बड़ा ET टायर्स में जो नुकसान होता है वो ये है कि ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं कंपैरिजन टू अदर पैटर्न जो टायर आते हैं, जैसे ST टेरेंस हैं, जो हाईवे टेरेंस टायर्स आते हैं उनके कंपैरिजन में ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। इसके साथ है, अगर इन पे आप माइलेज देखोगे तो इनके साथ माइलेज का भी थोड़ा सा इशू होता है। जितना आपकी गाड़ी हाईवे टेरेंस पे देगी उससे थोड़ा सा आपको फ्यूल एफिशिएंसी इस पे लो मिलेगी। इसके साथ आपके गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है, आपके स्टीयरिंग कंट्रोल्स, थोड़े से आपको ड्राइव एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको हाईवे टेरेंस पे मिलता है। हाईवे के ऊपर अगर आपके गाड़ी में हाईवे टेरेंस टायर होंगे तो आपको गाड़ी चलाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। वहीं अगर ET टायर में आप हाई स्पीड करते हो तो थोड़ी सी गाड़ी इम्बैलेंस आपको स्टेयरिंग पे फील होती है। बाकी हल्का सा आपको नॉइस भी फील हो सकता है। हाईवे टेरेंस में बहुत ज़्यादा स्मूथ गाड़ी चलती है, बहुत ज़्यादा लो नॉइस ही होते हैं। वहीं ET टेरेंस में आपको थोड़ा सा नॉइस सुनने को मिल सकता है। हालांकि कंपनियां काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं, R&D करके कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा अपनी क्वालिटी इम्प्रूव की है, बट फिर भी कंपैरिजन करोगे तो आप ET टायर वर्सेस हाईवे टेरेंस टायर्स, तो थोड़ा सा आपको ये क्वालिटी वाइज इशू आपको नॉइस का मिलेगा। बाकी परफॉर्म अच्छा करते हैं। अगर आपकी इस तरह की सिचुएशंस रहती हैं कि आप साल में 2-4 बार ऑफ रोडिंग्स करते हो, या प्रॉपर आप कहीं ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्नो वाला इलाका है, आपको श्लश वाले रोड आपको प्रॉपर नहीं मिलते हैं, वहाँ पे ऑफ रोडिंग्स के लिए आपको ET टायर बेस्ट हैं। प्राइस वाइज थोड़े से ये कॉस्टली होते हैं आपको जैसा कि बता दिया, बट ठीक है, अगर आपको रेगुलर यूज में है तो आपको ET टायर ही लगवाना चाहिए गाड़ी में। इसके साथ देखो एक चीज़ और बताता चलो, इंटरनेट पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि बहुत सारे बड़े ब्रांड्स आते हैं, प्रीमियम ब्रांड्स, जैसे योकोहामा में है, ब्लू अर्थ है, कॉन्टिनेंटल का UC6 है, या मिचलिन का है प्रेमेसी, ये बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड्स हैं जिनको बहुत सारे लोग ऐसा भी वीडियो में बताते हैं कि देखो इनके टायरों में बहुत अच्छी खूबी होती है, कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ET वाला भी फैक्टर परफॉर्म कर देते हैं, आपको उसमें भी बेनिफिट मिल जाता है। तो देखो ऐसा नहीं होता है, हाईवे टेरेंस टायर प्रॉपर हाईवे टेरेंस होते हैं। आपको अगर ऑफ रोडिंग के लिए जाना है, ऐसे टेरेंस में गाड़ी को लेके जाना है, तो बेटर है कि आप ET टायर ही लगवाओ। उनके नाम के आगे बकायदा ET टायर होता है, जैसे कि योकोहामा में जियो लैंडर आता है, ब्रिस्टोन में ड्यूलर सीरीज में आपको मिल जाएगा, और आपको मिशलिन में LTX करके आता है वो आप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अल्ट्रा माइल में मिल जाएगा, और बड़े ब्रांड्स में आपको हैंकॉक मिल जाएगा, KO2, और आपको प्रीमियम ब्रांड्स की तो ये बात हो गई। तो दोस्तों ये थी वीडियो ET टायर से रिलेटेड, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ET टायर क्यों ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे कंटेंट देखना पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर लो, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाए। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे आप हमें DM कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी डेडिकेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके या फिर DM करके बता सकते हो।